लाल की, बोले पवन सुत हनुमान की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की, बोले सदगुरु भगवान की, जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, विश्व में ओम शांति 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 ही। कल भगवान ने किस कारण हेतु अवतार लिए, कल हमने वो सब कथा में विस्तार किया था कि नारद का शाप एक कारण था भगवान के आने का। राजा प्रताप भानु को भी ब्राह्मणों का शाप एक कारण था भगवान के आने का। और हजारों हजार साल की तपस्या महाराज मनु और शत्रुपा ने की। जब भगवान प्रकट हुए तो मनु ने मांगा कि मुझे आप जैसे दिव्य कांति वाला एक पुत्र चाहिए। जब शत्रुपा जी से पूछा, उन्होंने कहा कि मेरे पति ने जो मांगा है मैं वही चाहती हूं कि आप शिशु रूप में बालक रूप में हमारे घर आए, लेकिन उससे मेरी विस्मृति ना हो, मुझे ये स्मृति ना रहे कि भगवान मेरे घर आए हैं, जब आप शिशु लीला करें तो मेरा मातृत्व जागे, मैं आपसे वैसे ही लाड करूं जैसे मां एक छोटे बच्चे से करती है। और भगवान तथास्तु कहकर अपने लोग चले गए और कह गए कि आप दशरथ हो गए और आपकी पत्नी आपकी भार्या कौशल्या रहेंगी और मैं आपके पुत्र में आऊंगा। आज भी भगवान को बुलाना हो, कोई ऐसा कारण नहीं कि वो ना आए, बस सिर्फ और सिर्फ बुलाने वाला चाहिए। होता ये है कि हमारा कोई काम बन जाए तो हम उसका शुक्रिया करना भूल जाते हैं, बिगड़ जाए तो तुरंत दोष, अरे भगवान आपने ही कर दिया। लेकिन अगर बन जाए तो याद करिए, क्या हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं? हम कहते हैं कि प्रभु, हमारे गुरुदेव रायशरण जी एक बात कहा करते थे कि जब रात को सो तो कहा करो प्रभु बड़ी कृपा की आपने सारा दिन बड़ा अच्छा निकाल दिया। अब रात पर कृपा करना कि हमारी रात भी सुखद हो। जब सुबह उठे तो उठते ही गुरुदेव कहा करते थे कि दोनों हाथ ऐसे करें, झूमे अपनी किस्मत को, भगवान का धन्यवाद करें कि आपने हमें रात को बड़ी अच्छी नींद सुलाया। हजारों लाखों बार ऐसा हुआ होगा कि जब सोए हुए होंगे और बड़ी बड़ी विचित्र विचित्र घटनाएं घटी होंगी, तो बस उसका शुक्रिया अदा करते चलिए और कहिए मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा।
ये सब कारण थे भगवान के आने के। और एक बात और जान लीजिए कि अगर शांति कहीं है, देखिए पूरे सिंगापुर में आप तलाश कर लीजिए, कोई शांति की दुकान नहीं मिलेगी। मैंने पहले दिन भी कहा था कि इतना कल्याण भगवान ने किसी का नहीं किया होगा जितना कल्याण भगवान की कथा ने किया है। भगवान का मिलना मुश्किल, भगवान का मिलना मुश्किल, लेकिन भगवान की कथा का मिलना मुश्किल, कथा का मिलना बड़ा आसान है। एक बात और, अगर कथा में मन लगने लग जाए तो ये निश्चित है कि भगवान का मिलना अत्यंत निश्चित हो जाता है, वो मिलेंगे। भगवान के भजन कीर्तन में अगर मन लगने लग जाए तो समझ लीजिए परमात्मा कहीं आसपास है। गुरुदेव कहा करते थे कि अगर पहले दिन चोर चोरी करते पकड़ा जाए तो समझ लेना चाहिए परमात्मा कहीं आसपास ही खड़ा था। पहले दिन अगर पकड़ा गया, और अगर पहले दिन चोरी किए और नहीं पकड़ा गया तो समझना चाहिए परमात्मा कहीं विमुख होकर खड़ा है। आज ना कल तो पकड़ा जाएगा, लेकिन अभी वो समय नहीं आया। और एक बात ध्यान रखना कि सुखी कोई नहीं है, सुखी वही जिसने अपने घर में थोड़ा सा सुख बना कर रखा है। कि दिन कहे धनवान दुखी, कि दिन कहे भग धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। गरीब आदमी सोचता है धनवान बहुत सुखी, और धनवान सोचता है कि राजा बहुत सुखी होगा, और राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। महाराजा को लगता है कि इंद्र देवता का आसन ही मिल जाए, और इंद्र कहे चतुरानन को, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करे कि भजन बिना सब जीव दुखारी। कि अगर कुछ है जीवन में तो वो केवल है भगवान का संकीर्तन, भगवान का भजन। और कहते हैं कि बिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवित शव समान सो प्राणी। अब करते रहिए मैं मेरा, उसका कोई औचित्य नहीं। भगवान का नाम ही सत्य है, जगत सब झूठा सा बना। और हम एक बात और बता दूं कि पूरा जीवन गलत कर्मी में निकाल देते हैं। सारी चीजें हैं बनाई, सारी चीजें। एक आरती गाते हैं आप, रोज मैं देखता हूं आप गाते हैं, और उस आरती में गाते हैं, मैं मूरख खलता कृपा करो भरता। गाई मैं मूरख खलता कृपा करो भरता। और अब इसके बाद को बुलाए मूरख की दरा, अगर को बुला ले कि मूरख की दरा तो तुरंत लड़ पड़ोगे कि आपने हमें मूर्ख कहा। अभी तो गा रहे थे मैं मूर्ख कल काम, गाते हो रोज, अगर को बुलाए मूर्ख की तरह। ये शब्द लिखे गए थे ताकि आपके अभिमान को तोड़ा जा सके। बड़े से बड़ा आदमी, छोटे से छोटा आदमी भी जब गाए कि मैं मूर्ख कल कामी, तो कहीं ना कहीं अपने अभिमान को थोड़ा सा बढ़ा। एक दिन गुरुदेव ने कहा, आ गया कथा में, मैंने कहा बोला भगवान को कुछ चढ़ा दे। मैंने एक सौ का नोट निकाला, चढ़ा दे। बोले नहीं, तूने जो कमाया है वो चढ़ा। तो मैंने सोचा शायद गुरुदेव ने देख लिया होगा कि सौ का नोट चढ़ाया, तो मैंने 500 का निकाल के चढ़ा दिया। बोले नहीं नहीं, तूने और भी बहुत कुछ कमाया वो चढ़ा। तो मुझे लगा शायद ये भी कम रह गए होंगे, तो फिर 1000 का नोट देना चलता था हिंदुस्तान में, बंद हो गया अभी अभी, तो मैंने 1000 का नोट चला दिया। मुझसे कहने लगे मूर्ख ये नहीं कमाया था, कमाया तो अभिमान का थोड़ा चढ़ा दे, थोड़ा अभिमान कमाया था, थोड़े झूठ कपट कमाए थे थोड़ा चढ़ा दे। भगवान को जो तू चढ़ा रहा है वो तो तेरा कमाया नहीं है, दिया है सब संसार ने दिया, तूने जो नेक कमाई की है वो चढ़ा, थोड़ी चढ़ा सकता है। मैंने पैर पकड़ लिए गुरुदेव के, मैंने कहा गुरुदेव यही सब कमाया भी और कुछ तो कमाया ही नहीं। बोले सच्चे दरबार की क्यों मां कहे हो सब अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सब सपना सब छोड़।
जिसको कमा रहे हैं वो छोड़ना है। इसे गुरुदेव कहा करते थे जीते जी छोड़ दो। अब जीते जी छोड़े कौन? संत छोड़ सकते हैं, हमारे आपके उसके नहीं, हम गृहस्थी। ध्यान रखना, बचपन आया तो जवानी अच्छी लगी, जवानी आई तो बुढ़ापा, और बुढ़ापा जब आ जाता तो आदमी कहता रहे मान ही जाए तो अच्छा होता है कि नहीं। कह लगे मस्त राम मस्तों से बोलो, हमारे गुरुदेव कहा करते थे राजेश्वरानंद स्वामी, मस्त राम मुर्दों से बोले, हमको कुछ बतलाओगे? मस्त राम मुर्दों से बोले, हमको कुछ बतलाओगे? एक मुर्दा उठकर बोला, बोले हमसे क्या पूछते हो, मर जाओ सुख पाओगे, हमसे क्या पूछते जितना सुख। अच्छा एक बात बताओ, बहुत भाग बहुत तेज भागने में आनंद कि धीरे धीरे चलने में? जोर से बोल के बता, धीरे धीरे, धीरे धीरे चलने में ज्यादा आनंद कि खड़े रहने में? बोल के बताओ, खड़े रहने में, खड़े रहने में ज्यादा आनंद कि बैठने में? दोनों में ही आनंद। और बैठने में ज्यादा आनंद कि लेटने में? लेटने में ज्यादा आनंद कि सोने में? सोने में, सोने में ज्यादा आनंद कि मर जाने में? विलक्षण परिस्थिति है, जीते तो हैं, क्यों जीते हैं मालूम नहीं। हमारे गुरुदेव एक दिन किसी दुकानदार के पास पहुंचे, कहने लगे एक प्रश्न करें? बोले हाँ करो। बोले दुकान क्यों करते? बोले परिवार के लिए। बोला परिवार क्यों? बोले जीने के लिए। बोले जीते क्यों? इसका प्रश्न का उत्तर दुकानदार के पास नहीं था। गुरुदेव उठकर चले, बोले गुरुदेव भगवान की। रावण का अत्याचार बहुत अधिक बढ़ चुका था। अब रावण कौन जो धर्म विरुद्ध हो, साधु का अपमान कर, माता पिता की बात न माने, वही रावण। और जब रावण का अत्याचार बढ़ा तो पृथ्वी व्याकुल हो। देखिए परमात्मा के आने का समय, आज खूब आनंद से परमात्मा का जन्मदिन मनाएंगे। जब व्याकुल हो उठी तो ब्रह्मा जी के पास गए कि प्रभु रावण के अत्याचार बहुत बढ़ गए, सहा नहीं जाते। ब्रह्मा जी पृथ्वी को लेकर भगवान नारायण के पास गए। जाकर प्रार्थना की कि हे प्रभु अब आपके आने का समय है, और ऐसा नहीं कि वो नहीं आए, जब जब पुकारा। अच्छा बताइए प्रहलाद के लिए नहीं आए, खंभा पाड़ के आए, आज आते क्यों नहीं? क्योंकि संदेह है। हम मंदिर आते तो हैं लेकिन संदेह है कि परमात्मा यह है कि नहीं है, इसलिए नहीं है, इसलिए नहीं है। और जिस दिन ये संदेह मिट जाएगा, हमारे एक मित्र भगवान को नहीं मानते, कहीं जाए बोले वाम नास्तिक है, भगवान को नहीं मानते। एक दिन गए तो उन्होंने कहा कि कुछ पैसे हैं विजेंद्र निकाल देना। हमने जब निकाला तो उसमें एक कंठी माला और एक हनुमान चालीसा। हमने कहा यार विचित्र प्राणी, वैसे तो कहता भगवान को मानता नहीं और जेब में हनुमान चालीसा और कंठी रख के घूम रहा। नहा के आए तो हमने पूछा क्यों रे, तू तो भगवान को मानता नहीं? बोले नहीं नहीं अगर हुए तो। विलक्षण परिस्थिति है कि अगर हो गए तो इसलिए रखते हैं। तो ये जो बीच की परिस्थिति है उसको छोड़ दीजिए, मेरा दावा है वो आएगा। और जब जब पुकारा तब तब आए, कहां नहीं सर्वत्र समान। लेकिन कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना हो, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जान। प्रेम से आता है, बुला के देखो आए, ऐसा हुआ नहीं आज तक कि नहीं आए। अप्रति ने प्रार्थना की भगवान से, क्या? जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गौध्वज हितकारी जय सुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। भगवान की स्तुति कर रहे हैं सब लोग, आइए हम सब थोड़ी सी स्तुति करें।
धरती माता साथ में है, सभी देवी देवता सब साथ में। एक दिन दशरथ जी गुरु के पास गए, अत्यंत दुखी मन लेकर गए। किसी ने पूछा भगवान से कि प्रभु आते क्यों नहीं। भगवान ने कहा कि मैं उन्हीं के दर पर आता हूं जो गुरु के दर पर। परम गुरु राम मिलावन हार, परम गुरु राम मिलावन हार। और जब दशरथ गुरु जी के दर पर गए तो भगवान ने भी युक्ति बताई कि एक बार भूपति मन माही हो भय ग्लानी मोरे सुत नाही। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सब कुछ है लेकिन गुरु ग्रह गया तुरंत मही पाला ओ चरण लागी गरिबी है ये विशाला। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ऐसा नहीं हुआ कि हमने पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ ना किया हो। जब जब पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया है तब तब पुत्र का आगमन हुआ है। धरौ धीर होई
गुरु वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को बुलावा भेज दिया। श्रृंगी ऋषि जी का नाम श्रृंगी ऋषि जी इसलिए था कि सिर पर एक सींग था। रोमपाद राजा की पुत्री शांति से उनका विवाह हुआ था। तुरंत बुलावा भेज दिया, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। दशरथ जी को दे दिया, कहा एक भाग कौशल्या जी को दे दीजिए, दूसरे भाग के आधा आधा पार्ट कर दीजिए, आधा आधा भाग कर दीजिए। दोनों को आधा आधा भाग दे दिया। एक विचित्र कथा यहां पर है। जब मां सुमित्रा के हाथ में प्रसाद आया हवि का, तो मनी मन ख्याल में डूब गई कि आहा, अब मेरे पुत्र होगा, यशस्वी होगा, बड़ा भाग्यशाली पुत्र होगा। इतने में ऊपर से एक उड़ता हुआ चील पक्षी निकला। माता पुत्र के ख्याल में मग्न थी, हाथ में हवि था, और वो चील पक्षी वो प्रसाद लेकर उड़ गया। उड़ता उड़ता केशरांचल पर्वत पर जा बैठा, जो नासिक के नजदीक है। आज अंजनेरी पर्वत भी उसको बोलते हैं। नीचे अंजनामा तपस्या कर रही थी। जैसे ही प्रसाद हाथ में गिरा, भगवान भोलेनाथ का प्रसाद समझकर मां ने ग्रहण कर लिया, और वहीं से बजरंगबली जी का प्राकट्य हुआ। बोलिए हनुमंत लाल की, हो शंकर सुवर्ण केसरी नंदन, दोनों ने अपने अपने भाग में से भी थोड़ा 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 दे दिया। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ब्रज नारायण नारायण हरि हरि, क्योंकि तेज पुंज रोशनी हुई। दोपहर का 12
भगवान नारायण माँ कौशल्या के सामने खड़े थे चतुर्भुज रूप में। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, बोलिए चतुर्भुज रूप नारायण भगवान की। माँ कौशल्या को कहा, माँ देखो मैंने कहा था ना मैं आ गया। हाथ जुड़े खड़ी माँ कौशल्या, कौन है? अरे आपने बुलाया था ना, मैं नारायण। माँ ने कहा कि मैंने ऐसे नहीं बुलाया था। तो बोलिए पहले ये चतुर्भुज रूप छोड़िए। छोड़ दी। बड़े बड़े नेत्र भगवान के खुले थे। बोले प्रभु जरा छोटे छोटे कर लीजिए, छोटे छोटे कर लीजिए। अब कहा कभी काम करिए, कृपा करके पालने में आ जाइए। पालने में आ गए, दो हाथ रह गए थे। बोले प्रभु ये दोनों हाथ भी हटाइए। दोनों हाथ भी हटाए। बोले अब ये वस्त्र भी छोड़ दीजिए और शिशु लीला कीजिए। भगवान ने शिशु लीला आरंभ करी। लगे जोर से रोने कि माता पुनि बोली सोमति डोली तजोतात ये रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रिय सीला यह सुख परम अनुपा। शिशु बन गए, पालने में आ गए, स्मृति हो गई, भूल गई मां सब कुछ। बालक आया है कि सुन वचन सुजाना रोदन ठाना और होई बालक सुरभूपा। भगवान का प्रार्थना। और जैसे रोना शुरू किया दासियां बड़ी हर्षित होकर दौड़ी कि लल्ला हुआ है, बैलारा आ गया है। हमें सारे प्रवासी आनंद मना रहे हैं। दशरथ जी को खबर मिली कि पुत्र प्राप्त हुआ है, आपने पुत्र को जन्म दिया है। अपार आनंद, शरीर पुलकित, राम जी पालने में और देवता इस छवि का अनुपम आनंद ले रहे हैं। जो बच गए थे वो सब आनंद कि प्रभु मैं तो आपके दर्शन कर ही नहीं पाया। बोले कोई बात नहीं, मैं अगला जन्म जब लेकर आऊंगा तो रात के 12 बजे आऊंगा। लेकिन हां तब तक आप निराश नहीं होइए, मेरे नाम के पीछे आपका नाम तब तक लगा रहेगा। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की।
Thank you.
जन्म की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान ने की, बोलिए लाडले भरत लाल की, बोलिए लाडले लखन लाल की, बोलिए लाडले शत्रुघ्न लाल की। हर ओर आनंद है बहन में, ऐसा आनंद कि कहा जाता है एक मास तक सूर्य देवता छुपे ही नहीं थे, रोज आनंद हो रहे थे, खूब बधाइयां बज रही थी, पूरे नगर में बधाई का माहौल रहा। धीरे धीरे भगवान की लीलाओं का आनंद पूरा अवध पूरा संसार ले रहा था। तभी भगवान शिव को भी यह पता चला कि भगवान का प्राकट्य हो गया, चले जरा दर्शन करें। जब रास्ते में जा रहे थे तो कालभूषण जी भी मिल गए, बोले प्रभु हमें भी साथ ले लो। बोला आओ। द्वारे पे पहुंच कर अलग लगाई, अंदर से आवाज आ रही थी, रो ऐसा रुद्र ठाना हुआ था भगवान राम ने कि लगातार रो रहे थे। मां कौशल्या बहुत तरह से छुपाने की कोशिश कर रही थी लेकिन भगवान रोते ही चाहते। फिर से अलग जगाया, मां ने कहा मैं आती हूं गई। भोलेनाथ ने कहा आपके लाला के दर्श की दीन है, एक झलक पाना चाहते हैं आपके लाला की। मां ने कहा बहुत जोर जोर से रो रहा है। बोले हम छुपा लेते हैं, हमें बालक खिलाने की प्रैक्टिस है, आप जरा एक बार दर्शन करा दीजिए। अब मां को लगा कि इससे अच्छी बात और क्या हो सकती, तो रोते हुए बालक को छुपा ले, इससे अच्छी बात और क्या। चले गए, भगवान ने जैसे ही गोदी में लिया आहा एकदम से चुप हो गए। काकभूषणी जी ने भी गोदी में लिया, तरह तरह से लाड किया, खूब दर्शन कर रहे। भगवान भोलेनाथ जब जाने लगे तो काकभूषणी ने कहा कि हमें यहीं रहने दीजिए, हमें भगवान की बाल लीलाओं का दर्शन करना है, उनका आनंद लेना है। रोज कोई नया नया चरित्र भगवान करते, कि धूल भरे अति शोभित मेरे श्याम जो, कि ऐसी बनी सिर सुंदर चोटी, कि खेलत खात फिरे अंगना, पग पेंज निबाजत पीली कछोटी। कभी इधर भागते किया छवि को रस खान बिलोकत, कि भारत काम कला निधि कोटी, कि काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सोले गयो माखन रोटी, हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी। तरह तरह की बाल लीलाएं करते हुए समय बीत रहा है। एक दिन महाराजा दशरथ ने कहा कि गुरुदेव नामकरण संस्कार का समय हो गया है, बालकों का नामकरण संस्कार कीजिए, उत्सव है आज, नामकरण संस्कार है चारों बच्चों का। यज्ञ स्टार्ट हुआ, शुरुआत हो गई, गुरुदेव अब नाम रख रहे हैं, किन के नाम अनेक अनुपा, ओ, 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 ओ
हनुमान कर रहे हैं, पर जो लीलाएं कर रहे हैं हनुमान को समझ नहीं आ रही है। और उन लीलाओं में ऐसे मदमस्त हैं चारों माताएं, तीनों माताएं, कि पता ही नहीं चल रहा है कि कब दिन गया कब रात गई, समय व्यतीत हो रहा है। भगवान की अनुभूति आपके आसपास भी बहुत बार होती, ये मत समझना कि आपके आसपास नहीं रहती। हजारों बार आपकी अनुभूति आपके आसपास रहती, वो साक्षात तो नहीं आएगा लेकिन भाव के भगवान तो आपको रोज मिलते हो। और मैं ये लिखकर देता हूं, एक बार भीष्म पितामह ने पूछा, मृत्यु शैया पर थे केशव आगे, कहने लगे कृष्णा मुझे अपने 100 जन्म याद है। कितने? 100 जन्म। मैंने कोई पाप नहीं किया तो ये जो आज सजा मिल रही है ये मुझे किस जन्म की मिल रही है? भगवान कृष्ण ने कहा कि अपना 101वां जन्म याद कीजिए। आप हाथी पर बैठ के जा रहे थे, आपने देखा हाथी के आगे एक सर्प आ गया, आपने भयवश प्रेमवश उसको ऊपर बैठे बैठे ही भाले से उछाल दिया कि कहीं हाथी के पैर के नीचे आकर कुचल ना जाए, और वो सर्प जाकर गिरा झाड़ियों में और झाड़ी कांटे की थी, कांटे उस सर्प को चुभे, आज उसी का फल आप भोग रहे हो। भीष्म पितामह ने कहा कि केशव मेरे 100 जन्मों का पुण्य। भगवान ने कहा रे पगले तू मेरे धाम जा रहा है और मैं तेरे सामने खड़ा हूं, तारी बजानी पड़ेगी तो सच्चे दरबार की। आप भाव रखिए मैं बोलता हूं आएगा। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो नहीं आएगा। आप दृढ़ विश्वास रखिए। और एक बात और बताऊं आपको कि दृढ़ विश्वास भी थोड़ा कट्टरपंथी वाला रखिए। अच्छा एक बात बताओ, बच्चा जब आपसे जिद कर रहा होता है तो आसानी से कभी पैसे देते हो? देते हो कभी बहुत आसानी से कि किसने कहा मां जरा $100 देना और दे दिया, ऐसा कभी हुआ? वो 2-3 बार कहेगा कि मां $100 दे दो, अभी नहीं है चल बाद में आना, फिर थोड़ी देर बाद मां बोला ना, हो सकता है कागज रसीद भी कर देते हो। लेकिन जब ज्यादा जिद करता है और रोएगा तो मां का हृदय पसीज जाता है। वैसे ही तो है वो बिल्कुल हम जैसा है। हम कभी गुरुदेव से पूछा करते थे भगवान कैसा है, बोले तुम जैसे ही तो है। किसी पिता के 2 पुत्र, एक पुत्र को अपना काम करे सुबह जाए अपना आराम से जॉब करता नौकरी करता कमा के लाता, एक पुत्र सारा दिन कहता रहता पिताश्री 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 पिताश्री, बताओ दोनों में से कौन सा पुत्र प्रिय? जो सुबह काम पे जाता है सारा दिन कमाता है शाम हार के आता है। और ऐसे हम भी कहते रहे सारा दिन जय भगवान जय भगवान जय भगवान। इसलिए गीता में कहा कि कर्मण्येव वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचनम्। आप अपना कर्म करते रहिए, जो आपको कर्म दिया उस कर्म में से ही मैं कोई एक कर्म चुन लूंगा जिसे मैं भक्ति मानकर आपको अपने परम धाम भेज दूंगा। परोपकार सोचकर करोगे तो परोपकार लगेगा ही नहीं, मैं लिख के दे देता हूं आपको। एक कहानी गुरुदेव सुनाया करते थे, एक गुरु जी के 3 शिष्य, रोज गुरुदेव समझाया करते कि परोपकार करना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। एक दिन तीनों शिष्य कहीं बाहर गए, आके कहने लगे गुरुजी आज हम तीनों ने परोपकार किया। गुरुजी को बड़ी प्रसन्नता हुई, एक से पूछा तूने परोपकार क्या किया? बोले गुरुजी आज हमने एक अंधी बुढ़िया को सड़क पार कराई। बोले भी बाबा, मन अति प्रसन्न हो गया, गदगद हो गया, बैठिए। दूसरे से पूछा कि बेटा आपने क्या किया? बोले बेटा हमने भी गुरुदेव अंधी बुढ़िया को सड़क पार कराई। गुरुदेव को थोड़ा संशय हुआ, फिर सोचा कि एक बार इसने करा दी होगी दूसरी बार उसने करा दी होगी। फिर तीसरी से पूछा कि बेटा आपने किया क्या? बोले गुरुदेव हमने भी अंधी बुढ़िया को सड़क ही पार करवाई थी। अब गुरुदेव को गुस्सा आ गया, बोले सच सच बताओ क्या किया था? छोटे वाला रो पड़ा, कहने लगा गुरुदेव दरअसल बुढ़िया सड़क पार करना ही नहीं चाहती थी,
हमने सोचा परोपकार किया जाए तो जबरदस्ती तीनों ने तीनों बार करवाई। तालीम देनी पड़ेगी बहुत सच्चे दरबार की। ऐसे वाला परोपकार नहीं करना, परोपकार जब सोचकर करोगे तो मूल लगेगा नहीं, पता नहीं किस वेश में आएगा। गुरुदेव कहा करते थे कि वो खेत में मिलेगा, खलिहान में मिलेगा, कथाएं तो आप रोज सुनते हो, ऐसे ही मिलेगा कहीं चलते हुए। और एक झलक दिखा के जाएगा, उस दिन रात को नींद नहीं आएगी, वो चेहरा सामने रहेगा, समझ लेना मेरा भगवान आ गया। लेकिन वो कट्टरपंथी जरूरी है, उसके बिना कुछ नहीं होगा, भी ध्यान रखना वो कट्टरपंथी जरूरी है। एक बात और याद आ गई, तरह तरह के शिष्य हुए। एक लकड़हारे और लोहार की दोस्ती थी। एक दिन लोहार चला गया लकड़हारे से मिलने, जाके पूछा मित्र कैसे हो? बहुत आनंद में हूं। अच्छा, आम का पेड़ था, बड़े सुंदर सुंदर आम लगे थे। लोहार ने कहा भाई दो चार आम तोड़ लूं? बोला हाँ हाँ तोड़ ले। जब आम के पेड़ पर चढ़ा तो साथ में राजा के महल की दीवार थी, ऊपर से देखा कि सुंदर राजकुमारी स्नान के लिए जा रही है। झट आवाज नीचे लगाई कि भाई तेरे अभी कर क्या रहा है? बोला कुछ नहीं। बोले काम कर, लकड़ी का गरुड़ बना, लकड़ी का गरुड़ बना जल्दी से। अब लकड़हारे ने सोचा चाहिए होगा कुछ, झट से लकड़ का एक गरुड़ बना दिया। बोले रस्सी है? बोले हाँ। बोले काम कर, आम के पेड़ से और महल में डाल। बोले अरे सिपाही मार देंगे। बोले तू चिंता नहीं कर, डाल दो। रस्सी महल में बांधी गई, गरुड़ पर बैठा और सीधा घर से नीचे महल में गया। राजकुमारी ने बोला आप कौन? बोले मैं विष्णु भगवान। बोले मैं विष्णु भगवान, प्रणाम किया। बोले क्या चाहते हो? बोले आपसे शादी करना चाहता हूं, विवाह का प्रस्ताव रख दिया। बोले मैं पिता से पूछा? बोले हाँ पूछा। गई पिताश्री, भगवान विष्णु आए हैं और क्या चाहते हैं? कि मुझसे विवाह चाहते। बोले देखो पड़ोसी राजा बहुत तंग कर रहा है, अगर उस पर हमें विजय प्राप्त करवा दें विष्णु भगवान तो हम आपका विवाह कर देंगे। जाके शर्त रख दे कि देखो इस तरह से पड़ोसी राजा बहुत तंग कर रहा है, अगर आप उस पर हमें विजय दिलवा दें तो हम आपका विवाह कर देंगे। उधर से रस्सी का इशारा किया, लोहार ने खींच लिया और कहकर चला आया कि आप युद्ध की तैयारी करो, फला फला दिन हम आ जाएंगे। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी। लकड़हारे ने कहा बेटा उस दिन तो बच गया था, अब तुझे कोई बचा नहीं पाएगा। बोले कोई नहीं, अब राजकुमारी से प्रेम हो गया है, प्रेम में मृत्यु भी सही, कोई बात नहीं। बोले काम कर पहाड़ पे ले चल, नीचे रस्सी बांध गरुड़ ही आएंगे। बोले ठीक, ऊपर से दो रस्सी बांधी गई, गरुड़ दे दिया। अब जैसे ही गरुड़ पे बैठा हुआ भगवान नारायण का आसन दिला, दड़ 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 भगे भगे। माता ने पूछा प्रभु कहां चले? बोले बड़ा भोला भगत है। बोले चले कहां? बोले बड़ा भोला भगत है, और अगर ये मारा गया तो लोगों को लगेगा भगवान विष्णु की मृत्यु हो गई, इसलिए मैं जा रहा हूं जरा भोले भगत का उद्धार करने के लिए। उधर से गरुड़ देवता को कहा बेटा तुम तो गरुड़ में प्रवेश करो और मुझे इसमें प्रवेश कर रहे। बोले नारायण भगवान की विश्वास रखिए, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता कि वो ना आए, आएगा। पता चला ऋषि विश्वामित्र को कि भगवान का अवतरण हो गया है। राजा के द्वारे पर आ गए। मुनि बहुत समय से यज्ञ करने की सौमा कोशिश कर रहे थे, लेकिन अचानक राक्षस आते और उनका यज्ञ विध्वंस कर देते। मन में ये सोचकर कि अब भगवान के आने का समय हो गया है और अब शीघ्र हमें जाकर भगवान को ले आना चाहिए। कि मुनिया गमन सुना जब राजा मिलन गयूले बेप्र समाजा। राजा दशरथ को पता चला कि गुरु विश्वामित्र आएंगे, ऋषि विश्वामित्र आएंगे, तो गए। करि दंडवत मुनि सनमानी
बैठारे नयन। अपना आसन मुनि को बैठने के लिए दिया। साधु संतों का सम्मान हमारी संस्कृति है। अरे हमारी संस्कृति तो वो है कि कोई साधु का वेश बनाकर भी आ जाए तो हम उसका भी सम्मान करते हैं। हम उस संस्कृति के हैं, हम उसके वेश का भी सम्मान करते हैं। विश्वामित्र जी को आसन देकर चारों पुत्रों को बुलाया और ऋषिवर का आशीर्वाद दिलाया। पूछा, कहिए गुरुवर मैं आपकी क्या सेवा करूं? विश्वामित्र जी ने कहा, मैं जिस समय यज्ञ करता दुख निश्चर मुझको देते हैं। मैं यज्ञ जिस समय करता दुख निश्चर मुझको देते हैं। जा सामग्री यज्ञ हूँ सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। मैं जब यज्ञ करने बैठता हूँ तो जाने कहाँ से आ जाते हैं, मेरा यज्ञ विध्वंसी कर देते हैं। असुरों के अत्याचारों से मैं खाया और घबराया हूँ। रक्षा सहायता दो वस्तु मैं तुमसे लेने आया हूँ। मैं तुमसे लेने आया हूँ। मैं तुमसे लेने आया हूँ। मुझे केवल दो वस्तु चाहिए। राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कहिए प्रभु। कहने लगे राजा, एक काम करो, राम और लक्ष्मण को मेरे साथ सहायता के लिए भेज दो। सहायता के लिए इनकी भेज दो और रक्षा मेरी ये दोनों कर ले। अरे सुन राजा का चौथा पद कहते हैं, तीन पहर तक सो लीजिए। कहते हैं ना तीन पहर सो लीजिए, चौथे पहर में जाग जाना चाहिए। कहते हैं सब चौथे पहर में सुबह चार बजे जाग जाओ। उसका मतलब ही यह है कि अगर उम्र 100 साल की थी तो 75 साल तक सोए रहो कोई बात नहीं, आखिरी के 25 वर्ष जाग जाओ। नारायण नारायण हरि हरि भज नारायण नारायण हरि भज नारायण नारायण हरि 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 हरि। राजा ने कहा, अरे राम कोई देने की वस्तु है? गुरुवर क्या आपने सोच समझ कर नहीं मांगा? बहुत प्रकार से वशिष्ठ जी समझा रहे कि देखो अगर भेज दोगे तो दोनों राजकुमार शस्त्र विद्या सीखेंगे। दशरथ जी कह रहे नहीं भेजे, नहीं भेजे। थोड़ा और कहा कि देखो बला अतिबला ये दो ऐसी शस्त्र विद्याएं हैं जो केवल मुनि के पास हैं। इशारे से समझा रहे तुरंत दोनों पुत्रों को मेरे जाएंगे। कह रहे नहीं भेजे, नहीं भेजे। धीरे से कान में जाकर कहा, पुत्र वधुएं चाहिए, शादी करो। अब राजा दशरथ सोच में पड़ गए, कहीं हाँ हाँ करनी, बोले भेजो, भेज दीजिए। तुरंत भेज दिया, ले जाओ। चले जा रहे विश्वामित्र जी के साथ। भगवान ने सोचा थोड़ी लीला की जाए, लगे रोने, जोर जोर से रोने लगे। विश्वामित्र जी भूल गए लेकर गिर को जा रहे। ममत्व जागा, जाग उठा, कहने लगे प्रभु रोते क्यों, गोदी में बिठाया, बोले दूध पीना है। अरे भूख लगी, कंदमूल फल खाना। कंदमूल फल ले आए गुरु जी तोड़कर, बोले खाना नहीं आता, खिला। गुरुदेव बड़े प्यार से खिला रहे अपने हाथ से। सब भूल गए, आश्रम पहुंचे। आश्रम पहुंचकर कहा कि देखो आसपास सही ताड़का सो रही होगी,
इसे ज्यादा जोर जोर से बात ना करना। अच्छा अब लक्ष्मण जी कौतुकी पूरी कौतुकी लगे और जोर जोर से रोने और जोर जोर से रोने। अब जब जोर जोर से रोए तो तारिका जागे। अब जब तारिका जगी तो ऋषि ने कहा कि यही राक्षसी है जो मुझे तंग करती है, मारो। दोनों ने कहा नहीं मारे, नहीं मारेंगे। क्यों? बोले हम स्त्री पर हाथ नहीं उठाते। बोले हम स्त्री पर हाथ नहीं उठाते, हम क्षत्रिय हैं। एक तो प्रथम दिवस ही है भानुवंशियों का, एक तो प्रथम दिवस ही है और भानुवंशी का अपयश ना लूटेगा ऋषि लूटेगा, हमारा अपयश होगा, हम नहीं मानेंगे। वीरता और धीरता भी एक और जाके छिपेगी जब और बाहुबल का प्रसिद्ध पात्र फूटेगा। याते समझाऊं मान लीजिए। हे मुनि मैं आपको समझाता हूं क्या कि हमारा स्त्री पर हाथ नहीं छूटेगा, हम नहीं मारेंगे। गुरुवर कह रहे हैं अरे राक्षसी मार। बोले नहीं गुरु जी, हम क्षत्रिय हैं, हम स्त्री को नहीं मारेंगे। गुरु जी ने समझाया देखो पुत्रों स्त्री दो प्रकार की होती है, एक अबला और एक सबला। अबला वो जो घर को स्वर्ग बना देती है, सबला वो जो घर का सत्यानाश कर देती है। अरे ये रोज ऋषि मुनियों का खून पीती है, जानते हो कौन है? दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बोले गुरुजी कौन है? किताते सुखेंद्र सुताए है नारी विचार कदा बिन छाड़ो। इसे नारी समझ के मत छोड़ो। धारो बालक हो तुम छत्रिन के तड़ा किस तीर तार कर मारो, तड़ा किस तीर तार कर, हाँ तड़ा किस तीर तार कर मारो। एक तीर मारा और तार का कलर कर दिया। पूरे सियावत रामचंद्र भगवान की कुछ दिन आश्रम में रहे। जो राक्षस आता उस राक्षस को मार देते। कुछ दिन बीते, मामा मारीच शुभा मामा मारीच को तो एक बिना प्रमाण का मारा, सौ योजन जाके दूर गिरा। अब मुनि बड़ी शांति से यज्ञ हो गए, सौवायुग पूरा हुआ। अब एक दिन भगवान कहने वाले थे कि प्रभु हे ऋषिवर आपका काम खत्म हो गया तो हमें जाने की आज्ञा दो। तभी विश्वामित्र जी ने कहा कि राजकुमारो अभी एक यज्ञ बाकी है। कौन सा? बोले अभी एक धनुष यज्ञ बाकी है, राजा जनक की चिट्ठी आई है, बुलावा भेजा है, सोचता हूं एक बार वहां हुआ और मेरा ऐसा मन हो रहा है कि आप दोनों मेरे साथ चले। दोनों ने गुरु जी को प्रणाम किया, गुरुदेव के साथ साथ चल रही है। रास्ते में देखा एक आश्रम, आश्रम बड़ा विचित्र, बहुत विचित्र आश्रम। पूछा गुरुदेव ये कैसा विचित्र आश्रम है? कहने लगे ये गौतम ऋषि का आश्रम। अच्छा गुरुदेव ये शिला? कहने लगे ये गौतम ऋषि की नारी अहिल्या है जो शिला रूप में पड़ी हुई है। गुरुदेव इस आश्रम में तो पशु पक्षी भी नहीं है, ऐसा विचित्र आश्रम तो हम पहली बार देख रहे हैं। पूरी कथा गौतम ऋषि और मां अहिल्या के गुरुदेव ने कह सुनाई।
अहिल्या मां इंतजार कर रही है। कि अब आ जाओ मेरे नाम, कि अब आ जा रे मेरे राम, के ये रूह मिलना चाहती है। अब आ जा रे मेरे राम, के ये रूह मिलना चाहती है। जैसे ही जनकपुरी में प्रवेश किया, राजा
सारे जनक जी ने सुना विश्वामित्र जी बना रहे हैं सभी भाइयों और मंत्रियों सहित स्वागत के लिए आए, बहुत आनंदित हो रहे हैं मिलकर। बहुत सारे मिथिलावासी भी आए, जो जो मेरे प्रभु राम को देखता है बस देखता ही रह जाता है। और सारे मिथिलावासी सोच रहे कि यही हमारे जमाई बने, ऐसा विचार मन में ला रहे हैं कि आहा, ऐसी सुंदर झांकी तो हमने पहले कभी नहीं देखी। बहुत प्रकार से आदर किया, बहुत अच्छा सा एक आश्रम दिया रहने के लिए। दोनों गुरुदेव की खूब सेवा करते। भगवान राम ने कहा, गुरुदेव से आज्ञा ली कि प्रभु आपकी आज्ञा हो तो एक बार जनकपुर भ्रमण के लिए चले जाएं। जब निकले तो मिथिलावासी बच्चे झूम लग गया पीछे, जो जो देखे बस एक तक देखता रह जाए मेरे श्री राम को। और जानते हैं जब जनकपुर पहुंचे हैं तो भगवान की उम्र कितनी है? जानते हैं कितनी उम्र है भगवान की? 12 वर्ष के। 12 वर्ष के प्रभु राम। और जब शादी हुई तो मां सीता की उम्र मात्र 6 वर्ष की है। मात्र 6 वर्ष की सीता थी जब शादी हुई। भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, खूब आनंदित हो रहे हैं मिथिलावासी। तरह तरह की बात कर रहे हैं, कौन है? कोई कहता राजा दशरथ के बेटा है, अरे बाप लौटा। अगले दिन भोर हुई, जब भोर हुई तो गुरुदेव ने कहा जाओ पूजा के लिए पुष्प वाटिका से कुछ पुष्प ले आओ। एक सीता जी की सखी ने जाके सीता जी को बताया कि इस तरह से दशरथ जी के दो पुत्र आए हैं, बड़े का नाम है श्री राम और छोटे लक्ष्मण, और ऐसी सुंदरता का बखान मां सीता के सामने वो कर रही है कि देखते ही बनता था, ऐसे लगता था प्रभु की झांकी मां सीता के सामने। आज भगवान से भक्ति का मिलन होने वाला है। अगले दिन मां सीता भी गौरी भजन के लिए पधारी। पुष्प वाटिका में इधर से भगवान राम और लक्ष्मण ने पुष्प वाटिका। जब भ्रमण कर रहे थे और फूल तोड़ रहे थे तो सभी को पता चला कि यहां दोनों आए हैं। जाके झट मां सीता को बताया कि सुनो सखी, ऐसी है वो दोनों यही हैं, अगर चाहो तो एक झलक देख लो। मां सीता ने बहुत फूलों की आड़ लेकर भगवान राम को देखा। भक्ति अपने भगवान को देख रही है। परस्पर भगवान श्री राम मां सीता की ओर निहार रहे हैं। मिलन हो रहा है, देवता ऊपर से पुष्प बरसा रहे हैं कि बस एक झलक दोनों एक दूसरे की देख लें। एक झलक देखा और मां सीता जी चली गई। मां गौरा के सामने खड़ी हुई और कहने लगी, सुनु सिए सत्य आशीष हमारी हो, शादी ना होती हो तो एक सिद्ध मंत्र और बता रहा हूं। मेरा दावा है, लिख के देता हूं। गुरुदेव कहा करते थे कि ज्यादा नहीं, सिर्फ हफ्ता 10 दिन एक सिद्ध मंत्र का जाप करें, पुत्री की शादी का संदेश आ जाएगा। कि सुनु सिय सत्य आशीष हमारी हो, सिया राम जय जय राम। मां गौरा से आशीर्वाद लेकर के
गुरुदेव कहा करते थे कि यहां माता ने एक शपथ भी ली थी, कहा अगर मुझे इन्हें वर रूप में दे दोगी ना मां तो मैं नंगे पैर 14 वर्ष का वनवास करूंगी। छोटी मां सीता 6 वर्ष और वही वनवास होता जाके मारे। तुलसीदास जी से उसने पूछा कि स्वयंवर की जो राजा जनक ने ठानी थी उसका कारण? बोले उसका एक कारण बड़ा छोटा सा था। एक बार राजा जनक कहीं बाहर गए तो वो शब्द शिव का धनुष या तो केवल शिव उठा सकते थे या भगवान नारायण उठा सकते, ब्रह्मा जी उठा सकते, उनके अतिरिक्त उसी को उठा नहीं सकता। अब मां सुनैना ने क्या देखा कि मां सीता को कहा सीते जरा चौका लगा दे, जरा चौका कर दे। अम्मा अपने बाएं हाथ से झाड़ू लगाते लगाते धनुष को इधर रख देती, फिर धनुष को इधर रख देती। अब वो देखती तो बड़ी विस्मित होती कि है जिस धनुष को शिव भगवान उठा सकते हैं उसको ये लड़की उठा उठा के रख देती है। राजा आए तो बताए, बोले सुनो ये लड़की नहीं, बोले तो बोले ये कोई शक्ति रूप है, इसमें विशेष प्रकार की शक्ति। कैसे? बताया कि देखो धनुष को बाएं हाथ से उठा के कई दिन में कई बार इधर से उधर रख देती है। राजा जनक को बड़ी चिंता हो गई, प्रण कर लिया कि अब मैं स्वयंवर सीता का उसी से करूंगा जो इस धनुष को उठाएगा। जब जैसे ही स्वयंवर की प्रतिज्ञा की अब तो धरती माता डर गई, खुद जनक भी डर गए, कहने लगे याद आया बाद में, अरे ऐसे ऐसे राक्षस हैं जो धरती छोड़ो पूरे कैलाश पर्वत को सर पे उठा लेते। बाणासुर रावण अगर इन्होंने इस धनुष को उठा लिया उनके लिए धनुष क्या है जो पूरे ब्रह्मांड को सर पे उठा लेते, राक्षस ऐसे। तो मां पृथ्वी आ गई, कहने लगी राजन ये आपकी पुत्री है मेरी भी पुत्री है, आप चिंता ना करना, मैं इस धनुष को किसी को उठाने ही नहीं दूंगी, मैं पूरी शक्ति से इस धनुष को पकड़ के रखूंगी। जिस दिन कोई योग्य वर आएगा तो वह उसे ही इशारा कर देना मैं अपना बल छोड़ दूंगी। बस सियापति रामचंद्र भगवान की भज नारायण नारायण हरि हरि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को भी स्थान दिया। मां सीता को बुलाया, कहा धनुष का पूजन कर दीजिए। मां सीता ने पूजन किया, धनुष को प्रणाम किया और मां ने मन्नत मांगी। साथ में मां सुनैना भी थी। मन्नत क्या मांगी? किसिया मांगे अयोध्या का राज सरयू नहाने को, मां मांगे अयोध्या का राज सरयू नहाने को, सिया मांगे अवध का राज, ओ सिया मांगे अयोध्या का राज सरयू नहाने को, सिया मांगे अयोध्या का राज सरयू नहाने को। और क्या मांगे?
दासी ना हो, केवल भाई काम रख लियो तो अच्छा, नहीं तो बड़ा काम कम करना पड़ेगा। लक्ष्मण जैसा देवर मांग रही है। गुरुदेव कहा करते थे एक बात और बड़े ध्यान पूर्वक सुनना, 5 लाख वर्ष मनुष्य योनि की है, 4 लाख वर्ष, 4 लाख वर्ष में कई बार पुत्र बन के आना है, कई बार पिता बन के आना है, कई बार मां बनोगी, कई बार बहन बनोगी, कई बार पुत्री बनोगी, लेकिन भाई केवल इन 4 लाख वर्षों में से सिर्फ एक बार बंधन को आता है। इसलिए अपना जो जो भाई हो उसे बड़ा प्रेम करना है। 4 लाख में से केवल एक जन्म भाई लेता है, भाई द्वारा बंधन नहीं है, ध्यान रखना इसका। लक्ष्मण जैसा दुबरा मांगे, लक्ष्मण जैसा दुबरा मांगे, क्या मांगे राम भरतार, सरयू नहाने को सिया मांगे अवध का राज, सरयू नहाने को सिया मांगे अवध का राज, सरयू नहाने को सिया मांगे अवध का राज, सरयू नहाने को। बार बार राजा आ रहे हैं, अपना अपना बल दिखला रहे हैं, लेकिन कोई धनुष को तोड़ना तो दूर को हिला ही नहीं पा रहा। जानते हैं ना क्यों? क्योंकि धरती माता बैठी पकड़ के, धरती मां बैठी है पकड़ के कि कोई योग्य वर आएगा, इशारा पाके छोड़े। राजा जनक जी बहुत देर हो गई देखते 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 देखते, पहले हजार हजार आए, पहले सोचा एक ही नहीं उठा पा रहे तो मिल के उठा लो, फिर 5-5 हजार आए। तुलसीदास जी ने लिखा, गोस्वामी जी ने 10-10 हजार लोग एक साथ आए धनुष उठाने को, नहीं उठा पाए। जब नहीं उठा पाए तो राजा जनक अत्यंत क्रोधित हो गए। राजा जनक क्रोधित हो गए, लताड़ा क्या हो गया, इतने बलशाली राजा आप लोग बैठे हो और आप में इतने भी शक्ति नहीं है कि आप धनुष को हिला मात्र पाए। राजा चिंतित हो गए कि देश विदेश के राजाओं हम किसे कहें बलशाली हैं, हमको तो अब ये ज्ञात हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। अब हमें लगा कि वीर है ही नहीं यहां पे, सब सर झुका कर बैठे, कोई बोलने को जो बोल रहे हैं, कोई उठ के नहीं जा रहा है, उन्होंने कहा ये नहीं जा रहा है तो हम ही नहीं जाए, सब एक दूसरे को देख रहे। राजा की भक्ति ला, इतने में लक्ष्मण जी खड़े हो गए, बोलिए लाडले लखन लाल की, पहली बार बिना भगवान की आज्ञा के खड़े हो, हमेशा राम जी की आज्ञा के। कांप रहा है पूरा बदन, गुस्से से तिलमिलाए हुए लाल। राम जी ने इशारा किया, मर्यादा में रहो छोटे, बैठ जाओ। नहीं, जो अनुचित वाणी आपने कही हे राजन वो ठीक नहीं, कि जिस सभा में रघुवंशी बैठे हो वहां ऐसी भाषा का उपयोग नहीं किया करते राजन। कहो तो सुमेरु पर्वत को उखाड़ दूं, कहो तो ब्रह्मांड ही फोड़ दूं, कहिए क्या करना है, ये धनुष तो बहुत छोटी चीज। भगवान के महिमा के सामने ये सड़ा गला धनुष ये तो कुछ नहीं। कि जनक जो तुमने कहे वचन वो दिल को तीर बैठे हैं, दिल को तीर बैठे हैं और कलेजा चीर बैठे हैं, जिगर को चीर बैठे हैं। रहे ये जान की कुआरी, हमें क्या गम नहीं इसका, ये मां सीता कुआरी रहेगी इसका गम नहीं, अगर गम है तो केवल सामने रघुवीर बैठे हैं, इस बात का अफसोस है। अभी चल जाती यहाँ तलवार ना होते सामने रघुवर, पूछ कर हमको बतलाओ यहाँ कितने वीर बैठे हैं। अगर भगवान राम नहीं होते तो भी तलवारें चल जाती यहाँ, पूछ कर बताओ कौन वीर। जल को
पल में फल का फल, जल को पल में फल को जल में, बतलाओ अब मैं क्या करूं, बतलाओ क्या करूं, सुरमे की तरह पीस डालूं क्या पृथ्वी और पहाड़ों को, बताइए राजन क्या करना है। मैं भगवान के चरणों की शपथ लेता हूं कि धनुष के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। राम जी ने इशारा किया, क्या चाहते हो, बैठ। गुरुदेव को भी लगा कि इशारा नहीं हुआ तो धनुष को तोड़ ही डालेंगे। राम जी ने भी इशारा किया, देखो गुरु जी से आज्ञा नहीं ली है, बैठ जाओ। गुरुदेव ने पास में जाकर कहा, सुनो शादी करनी है, विवाह चाहिए, बोले गुरुदेव चाहिए, मन बैठ गए कि भज नारायण नारायण हरि हरि, भज नारायण नारायण हरि हरि, भज नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, की ओर इशारा किया है। राम जाओ और जाकर धनुष को तोड़ दो, भगवान चल रहे हैं। और जब भगवान जैसे ही चले तो लक्ष्मण जी ने अंगूठे से नीचे मां पृथ्वी को इशारा किया, माते योग्य वर आ रहा है, अब जरा अपना भार हल्का कर लेना। उठा हूं राम धनजहूं के गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद हरि गोपाल, के गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, के गोविंद बोलो गोविंद बोलो, के गोविंद बोलो गोविंद बोलो, सुंदर कथा आप लोग श्रवण कर रहे थे। भगवान श्री राम की यह पति पावनी कथा जनमानस को